हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज हम पेल्टियर मॉड्यूल से फ्रिज बनाना सीखेंगे। फ्रिज बनाने के लिए हमारे पास ये एक थर्मोकोल का बॉक्स है। ये मुझे लोकल मार्केट में 200 रुपीज़ का मिला है। ये इसका ढक्कन है और काफ़ी बड़े साइज़ का है ये। और इस फ्रिज के लिए फ्रेंड्स दो मॉड्यूल पेल्टियर मॉड्यूल यूज़ होंगे। इसका नंबर है टैक 12706। ये फ्रेंड्स 12 वोल्ट पे लगभग 3 एम्पियर एक मॉड्यूल लेता है, तो मैं दो मॉड्यूल लगाऊंगा तो ये लगभग 6 एम्पियर के करीब लेता है। ये मेरे पास सप्लाई पड़ी हुई है, ये सप्लाई काफ़ी पावरफुल है फ्रेंड्स। ये 35 एम्पियर की सप्लाई है। ये एक हीट सिंक है, यहाँ पर गर्म हवा निकलेगी। ये दो फैन जो कि इसके पीछे लगेंगे, यहाँ पर ये यहाँ दो फैन लगेंगे और एक ये छोटा फैन है। ये फ्रेंड्स फैन पीछे आ जाएंगे, उसके बाद में ये दो पेल्टियर मॉड्यूल ऐसे लगेंगे, उसके ऊपर ये हीट सिंक लगेगी, उसके ऊपर ये फैन लगेगा। तो 3 फैन इसमें कुल मिला के यूज़ होंगे। और ये जो हीट सिंक है फ्रेंड्स, ये इसके मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, ये ऐसे करके। और ये वाली जो हीट सिंक है फ्रेंड्स, वो इसके इस साइड में ऐसे आ जाएगी और इसके ऊपर ये फैन आ जाएगा जो कि इसको इसके अंदर ठंडी हवा देगा। ये हीट सिंक पेस्ट है फ्रेंड्स, हीट सिंक पेस्ट लगा रहे हैं जिससे कि पूरी हीट जो है अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो हीट सिंक पे और हमारा जो मॉड्यूल है वो सेफ रहे। ये फ्रेंड्स जिधर ये पेंट होता है इधर कोल्ड होता है और जिधर प्लेन होता है उधर हॉट होता है। ये पूरा ढंग से फ्रेंड से लग चुका है और इसको हम यहाँ पर ये ऐसे लगा देंगे और ये ऐसे। ये फ्रेंड्स पूरा अच्छी तरह लग गया है। अब इसके हम ऊपर पेस्ट लगाएंगे और ऊपर ये छोटी वाली हीट सिंक है कोल्ड साइड की, वो लगाएंगे। हीट सिंक पेस्ट क्यों लगाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सरफेस जो है वो पूरी तरह कवर हो जाए, बीच में कोई एयर गैप ना रहे, क्योंकि एयर जो होती है, हवा जो होती है वो इंसुलेटर होती है। तो जो डिवाइस है हमारी, जैसे ये पेल्टियर मॉड्यूल है, उसकी जो हीट है वो इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, बीच में एक एयर की लेयर बन जाती है जो कि इंसुलेटर होती है, तो जिससे ये डिवाइस ज़्यादा गर्म हो जाती है और ये ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं ये हीट सिंक लगा रहा हूँ, ये हीट सिंक मैंने लगा दी है दोस्तों। ये मैंने दोनों साइड में ये स्क्रू लगा दिए हैं और ये पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। ये देखिए, अब ये हीट साइड हो गई। इस साइड में हमारे दो फैन आएंगे, ये ऐसे। इन फैन को कस लेता हूँ इसमें, तो चलिए ये फॉर्म है फ्रेंड, ये मैं फॉर्म लगा रहा हूँ यहाँ पर। ये आप देखिए, फॉर्म इसलिए लगा रहा हूँ फ्रेंड, ये जो फैन है वो बिल्कुल अगर इस पर हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे तो ये पूरी हवा अच्छी तरह से सख नहीं कर पाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो ये अच्छी हवा सख करता है। तो इसी तरह से ये यहाँ लगाऊंगा और इसके बीच में लगाऊंगा, जिससे कि ये दोनों फ़ैन इजीली
यहाँ आ जाए, ये इस तरह आ जाएगा और ये फैन इस तरह आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फैन लगा रखे हैं, ये जो पोर्शन है ये इसके अंदर जाएगा, तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इसको काट लेते हैं, तो ये यहाँ से ये फ्रेंड, ये देखिए ये लग चुका है और ये अंदर का पोर्शन है, ये यहाँ आ गया और यहाँ पर छोटा हमारा फैन, ये वाला फैन वो फैन यहाँ ऐसे आ जाएगा और ये इसमें ठंडी हवा इसके अंदर फेंकेगा। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, इसको लगा लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये फ्रेंड्स बाहर का और ये अंदर फैन लग चुका है और इसका जो वायर है मैंने बाहर निकाल दिया है, ये वायर आ चुका है, ये अंदर के फैन का है, ये खोल करके मैंने बाहर निकाल दिया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे। तो जितने भी पॉजिटिव हैं वो फैन के पॉजिटिव, पेल्टियर के पॉजिटिव, तीन फैन के पॉजिटिव और दो पेल्टियर के पॉजिटिव एक साथ कर लेंगे और पेल्टियर के नेगेटिव और फैन के नेगेटिव एक साथ कर लेंगे और उसके बाद में फिर सप्लाई जोड़ेंगे और फिर इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये फ्रेंड्स, ये सारे पॉजिटिव जिसमें के दो पेल्टियर मॉड्यूल हैं, ये रेड मोटे वाले दिख रहे हैं आपको और ये पतले वाले वायर दिख रहे हैं, ये फैन के हैं, तीन फैन के, उसी तरह ये माइनस के। अब हम इसको सप्लाई में लगा के और फिर स्टार्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स सारे कनेक्शन हो चुके हैं, ये आप देखिए, ये सप्लाई के वायर हैं और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब सिस्टम ऑन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा अंदर का फैन आवाज़ कर रहा है तेज, ये थोड़ा आवाज़ कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा या तो हम चेंज करेंगे या एडजस्ट करेंगे, तो फिर से देखते हैं इसके। इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, हल्की सी ठंडी होने लगी है और ये बाहर वाली हीट से ये काफ़ी गर्म हो चुकी है इतनी सी देर में और ये फैन भी गर्म हवा फेंकने लगे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है फैन, ये काफ़ी साउंड कर रहा है फैन, लेकिन अब ये हल्की सी ठंडी हवा फेंकने लगा है। मैं ढक्कन लगा के देखता हूँ ये कितनी तेज आवाज़ करता है, आवाज़ तो है, अंदर वाला पंखा आवाज़ कर रहा है, बाहर वाले की तो बहुत का मामूली सी हवा है, साउंड काफ़ी कम है बाहर वाले का, अंदर वाला तेज आवाज़ कर रहा है तो उसको एडजस्टमेंट कर लूँगा। बाहर वाले फैन जो है फ्रेंड्स काफ़ी गर्म हवा फेंकने लगे क्योंकि ये बाहर की हीट से काफ़ी गर्म हो रही है, लेकिन अभी हम छू सकते हैं, इतनी गर्म नहीं है। हम एक पानी की बोतल में रखता हूँ इसको और इसके सामने फ्रेंड्स फैन काफ़ी अच्छी ठंडी हवा दे रहा है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ और ये फैन थोड़ा गड़बड़ी कर रहा है और इसको मैं देखूँगा चेंज करने की, चेंज करूँगा क्योंकि काफ़ी साउंड ज़्यादा आ रही है इसकी, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आधे घंटे बाद इसको देखेंगे हम।
अब देखते हैं इसका पानी क्या कहता है। ये फैन काफ़ी गर्म हवा फेंक रहे हैं, काफ़ी गर्म हवा फेंक रहे हैं। तो हमारा SMPS भी गर्म हो चुका है हल्का सा, और ये तो अंदर काफ़ी ठंडा है फैन। तो और फ्रेंड्स, बोतल पीने लायक ठंडा हो चुका है। मैं ये कहूँ बहुत ठंडा हो गया ऐसा नहीं है, लगभग 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और ये लगभग पीने लायक ठंडा कर चुका है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल फ्रिज में भी अगर हम बोतल रखते हैं तो टाइम तो लेती है, और ये तो सिंपल पेल्टियर का फ्रिज है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है ये हीट सिंक। फ्रेंड्स, काफ़ी गर्म ठंडी हो चुकी है ये वाली, बाहर वाली गर्म है ये, और ये फ्रेंड्स हीट सिंक काफ़ी ठंडी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, अगर एक डेढ़ घंटा ऐसे हम रखेंगे तो ये बोतल, ये और भी इसमें बोतल काफ़ी आ सकती है, 3-4-5-6 बोतल आ सकती है इसे आसानी से, एक के ऊपर एक रखेंगे तो। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली यूज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा है। मेरे पास टेम्परेचर मीटर नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।